यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना जरूरी है? अगर इस प्रश्न का जवाब दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि नहीं, यूपीएससी की तैयारी के लिए जरूरी नहीं है कि दिल्ली जाया जाए। आप प्रयागराज आकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। केवल आप में लगन, दृढ़ता और परिश्रम करने का जुनून होना चाहिए। करीब 2 दशक पहले तक प्रयागराज को यूपीएससी का अड्डा कहा जाता था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ISPCS की फैक्ट्री। खैर, थोड़े हालात बदले जरूर हैं, लेकिन अगर आप में जुनून है यूपीएससी का तो प्रयागराज आपके लिए दिल्ली से कम नहीं। आइए आपको ऐसी ही एक टॉपर से मिलवाते हैं जो दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने जा सकती थी, लेकिन उन्होंने प्रयागराज को चुना। हम बात कर रहे हैं अंशिका वर्मा, जिन्होंने प्रयागराज में रहकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की और सफलता भी प्राप्त की। आइए जानते हैं अंशिका वर्मा की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। प्रयागराज स्थित स्टैनली रोड निवासी अंशिका वर्मा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 136वीं रैंक हासिल की। अंशिका को सफलता उनके कठिन मेहनत, दृढ़ता और लगन से मिली है। इसके साथ ही खास बात यह रही कि इन्होंने 12वीं से लेकर अपनी इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई नोएडा से पूरी की है। नोएडा से दिल्ली ज्यादा नजदीक है और यहाँ भ्रांति भी रहती है कि यूपीएससी में सफलता के लिए दिल्ली जाना जरूरी है, लेकिन अंशिका ने दिल्ली का रास्ता नहीं बल्कि प्रयागराज का रास्ता चुना और अंततः यह साबित किया कि सफलता कहीं भी जाकर मिल सकती है, बस इच्छा शक्ति और परिश्रम करने का जुनून होना चाहिए। अंशिका की यह सफलता आज भले ही चर्चा में हो, लेकिन साल 2019 में जब इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा दी तो वे सफल ना हो सकी, लेकिन जीवन का यह सबसे कठिन दौर उन्होंने कुछ इस तरह से गुजारा कि अगला परिणाम उनके हित में चला गया। अंशिका का मानना भी यही है कि असफल होकर आप कई अनुभव अपने साथ जोड़ लेते हैं और आपकी कई कमियां आपके सामने आ जाती हैं, जिस पर थोड़ा काम करके आप अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। अंशिका के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो वह प्रयागराज की मूल निवासी है। उनके पिता अनिल वर्मा उत्तर प्रदेश विद्युत कॉरपोरेशन लिमिटेड के रिटायर्ड कर्मचारी हैं और माँ का नाम वंदना है। यूपीएससी के छात्रों को अंशिका ने अपने नोट्स स्वयं तैयार करने और बार बार रिवीजन करने की सलाह दी। इसके साथ ही शुरुआती तैयारी के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ने की भी बात कही है। अंशिका इंटरनेट का सकारात्मक इस्तेमाल करने की भी सलाह देती हैं। अंत में अंशिका ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए वे हमेशा मार्गदर्शन करती रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। अपनी तैयारियों को और अच्छा करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक की मदद से हमसे जुड़ सकते हैं। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।